कुल बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। हमने अनुमान लगभग 1,75,000 यूनिट्स का लगाया था। इसमें थ्री व्हीलर्स शामिल नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं कि फाइनल फिगर क्या है। कुल मोटरसाइकिल बिक्री इनकी 1,25,000 यूनिट्स की आती हुई दिखी है, तो अनुमान से काफी कमजोर रही है टीवीएस मोटर्स की परफॉर्मेंस। और इसलिए अब आप देखिए स्टॉक भी इस समय रिएक्ट करते हुए आपको दिख रहा है। टीवीएस मोटर्स फिलहाल थोड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग अच्छी हुई थी पर वहां से गिरावट आती हुई दिखी है, और बाकी भी लगभग सभी कंपनीज की परफॉर्मेंस वीक रही है, बट कुछ कंपनीज की उतनी वीक नहीं है जितना अनुमान था। कुणाल जी, टीवीएस मोटर्स के चार्ट्स पर राय देखिए, एक रेजिस्टेंस है दीपांशु 660 रुपए के आसपास, और वो स्तर पार नहीं होता है। कई बार हमने देखा है कि टीवीएस मोटर में अच्छा मोमेंटम बना, लेवल पार नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब देखिए स्टॉक कुछ समय एक रेंज में बिता सकता है। रेंज जो है वो 600 रुपए से 660 रुपए की 10% की रेंज है, और मुझे लगता है कि जब तक इस रेंज से बाहर स्टॉक ना आए तब तक इसमें कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। 600 से 660 के दरमियान ये स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखाएगा तो स्टॉक से दूर रहने की राय। ओके, तो थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड आपको टीवीएस मोटर में इस समय दिख रहा है, और उतने अच्छे